वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इस समय हम चल रहे हैं एनिमल टिश्यूज के चैप्टर पर, जो नाइन्थ क्लास का सेवेंथ चैप्टर है, ऊतक एनिमल टिश्यू। और इसमें कई प्रकार के मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, और आज मैंने आपको बताने जाना है स्थिर उपकला या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जैसे ये कोशिकाएं बनी हुई हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें ऊपर जो क्या है रोमाभिकाएं या सीलिया हैं, और नीचे भी सीलिया पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो सटी हुई होती हैं, इनमें कोई अंतरावकाश नहीं होता है, और ये एक से अधिक स्तरों में, एक दो तीन कई स्तरों में ये व्यवस्थित होती हैं। और कोशिकाओं का जो निचला स्तर ही आधार कला पर स्थित होता है। इसमें कोशिकाएं शरीर की घनाकार एवं स्तंभी होती हैं, स्तंभ के आकार की होती हैं। और इस ऊतक के भारी स्तर की कोशिकाएं नमी, चिकनाहट एवं घर्षण के कारण नष्ट होती रहती हैं, तथा भीतरी स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा करती रहती हैं। ऐसे अंगों में ऊतक पाए जाते हैं जैसे देह भित्ति, नेत्रों की कॉर्निया, मलाशय गुहा, मुख गुहा पर आदि ये पाए जाते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें बच्चों, और यदि आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करें, तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपको ऐसे ही मेरे चैप्टर मिलते